इस वीडियो में धतूरा के बारे में पढ़ेंगे। धतूरा को जोजी मासिल बोलते हैं, थॉर्न एप्पल बोलते हैं। ये धतूरा का पौधा है। ये धतूरा की लीव्स हैं। धतूरा का जो फ्लावर होता है वो वाइट पर्पलिश कलर का होता है। ये इसका फ्लावर है। इसका जो फल होता है उसके अंदर कसीर तादाद में गोल और चपटे हल्के भूरे रंग के तुख्म भरे होते हैं। और ये कांटेदार होता है। धतूरा की जो सिया किस्म है वो उसके अंदर समय ज़्यादा होती है, इसलिए वो मुस्तमिल नहीं है। फल तो पत्ते दवान मुस्तमिल हैं। ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको फ़ारसी में तातूरा और अरबी में जोज़े मासिल कहते हैं। बाज़ लोगों ने धतूरा की चार किस्में शुमार कराई हैं। एक का फूल सफ़ेद होता है, दूसरे का फूल दरख्त के दीगर अज्जा के साथ काला होता है, तीसरे का फूल सुर्ख और चौथे का पीला होता है। काला धतूरा का मिलता है, सुर्ख उससे भी कम दस्तयाब है। जुजाम, फोड़े, फुंसी, सफरा व बलगम की खराबी, चर्ब और पेट के कीड़ों में फ़ायदा करता है। काले धतूरे के पत्तों को रोगन कुंजुत में जलाकर रुई के फाया भिगोकर बवासीर पर रखें तो फ़ायदा होता है। अगर काले धतूरे के फूलों को शहद और गाय के घी में मिलाकर रोज़ाना औरत खाए तो बांझपन ख़त्म हो जाता है। बाज़ अतीबा के मुताबिक अगर दाईं आँख में अशुभ हो तो बाईं कान में एक कतरा भर यह धतूरा का रस हल्का गर्म टपकाए से फ़ायदा होता है, मगर हिंदुस्तान अतीबा के नज़दीक गर्म खुश्क इसका मिजाज है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। धतूरा की जड़ की छाल और नमक के चुछांदे का मसमसवा करने से दांत खूब साफ होते हैं। बेहद खुश्की की वजह से धतूरा का इस्तेमाल से बदन सुन और बेहिस हो जाता है। तुले आफ्ताब से पहले धतूरा के पानी को आँख में सिलाई से लगाने से मुजमिन आशुब चश्म बल्कि बच्चों के मस्कुरा अमराज में खासा फ़ायदा होता है। ये नुस्खा मुजर्रब है। बीख धतूरा की छाल पान में खाने से इसहाल आते हैं। इसके पत्तों के जिमात से जराहत और नासूर का जायद गोश्त साफ और ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं। ये नुस्खा मुजर्रब है। अगर सफ़ेद धतूरा जल्दी अमराज में बर्स फोड़ों में फ़ायदा करता है। इसके सीमा से इस्तिस्का के वरम और पेट की गिरानी में फ़ायदा होता है। ये इसका फल है, कांटेदार होता है और इसके ही अंदर सीड्स होते हैं। ये इसके सीड्स हैं। इसको सुखाने पर इस्तेमाल किया जाता है। सीड्स को सुखाने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये धतूरा के एकदम ड्राई सीड हैं। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। होल प्लांट कंटेन 0.06% एल्कलॉइड्स, जिसमें से सीड्स जो है 0.98 और स्टेम 0.08। ऑल्सो फ्लेवोनॉइड्स विद एनालॉइड्स कोमरीन एंड टैनिन। द मेजर एल्कलॉइड्स हायोसामाइन 44 to 67%, हायोसिन इज 13.2 to 25.3%। एट्रोपीन भी ये कंटेन करता है। ट्रोपीन एल्कलॉइड आर सिमिलर टू दूस फाउंड इन एट्रोपा बेलाडोना। हायोसिन इज 5 times एज एक्टिव एज एट्रोपीन इन प्रोड्यूसिंग मिडियासिस, बट इट्स मेन यूज इज एज एंटी मोशन सिकनेस ड्रग। टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड एंटी कोलिनर्जिक एल्कलॉइड्स। इसकी डोजेज जो है वो लीव 60 से 185 mg।